और चलिए सुपरफास्ट खबरों के बाद कुछ और खबरों का विस्तार से रुक कर रहे हैं। जलदाय विभाग में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में अब एक बार फिर से एसीबी की एंट्री हो चुकी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जलदाय विभाग के जो 6 फर्म हैं उनके टेंडर और अनुभव प्रमाण पत्र की रिपोर्ट मांगे हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी फर्में एसीबी के घेरे में आई हैं, वो आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मामला अभी थमा नहीं था कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में एसीबी की एंट्री हो गई। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विष्णा राम ने जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर आर के मीणा को खत लिखा। पत्र लिखकर 6 फर्मों के 2020 से लेकर 2023 तक के टेंडर, अनुभव प्रमाण पत्र, काम पूरा होने का प्रमाण पत्र और टर्नओवर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद चीफ इंजीनियर ने सभी एडिशनल चीफ इंजीनियर को खत लिखकर ये जानकारी मांगी। जयपुर रीजन 2 के एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौर ने कहा कि गणपति और श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म की रिपोर्ट पहले ही दी जा चुकी है और बाकी की रिपोर्ट दी जाएगी। 2 फर्म जिसमें इरकॉन के फर्जी सर्टिफिकेट्स का मैटर था, वो सूचना हमने एसीबी को उपलब्ध करा दी है। लेकिन अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक और भी इंक्वायरी नोट आया है उनका एसीबी से, और कुछ और इन्फॉर्मेशन उन्होंने 3 अन्य फर्म से उनके लिए मांगी है, तो वो हम उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। 6 फर्मों पर एसीबी की नजर। श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म, गणपति ट्यूबवेल फर्म, मेसर्स मांगीलाल विश्नोई, मेसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, GA इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स भूरत्नम कंस्ट्रक्शन हैदराबाद। अब एसीबी इन सभी 6 फर्मों के टेंडर और अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करेगी। इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र लेने वाले गणपति और श्री श्याम फर्म की पोल पहले ही खुल चुकी है, तो अब ऐसे में एसीबी बाकी फर्मों की जांच करेगी और अब देखना ये होगा कि एसीबी की जांच में और कितने खुलासे होंगे। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।